एक बार फिर SCN न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, जहां संवेदनशील कलेक्टर मनोज खत्री ने जनता की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अमले को पानी की भीषण समस्या के निराकरण हेतु मौके पर भेजा। इस भीषण गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समस्या अजयगढ़ नगर के लगभग समस्त वार्डों में है और 8 से अधिक वार्डों में नगर की जनता बहुत अधिक मात्रा में पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक कागजी फाइलों में उलझकर स्थानीय नगर परिषद एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पेयजल परिवहन के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिससे पानी की समस्या और अधिक बढ़ती देख पन्ना कलेक्टर मनोज खत्री द्वारा अपर कलेक्टर अशोक ओहरी को मुआयना करने अजयगढ़ भेजा, जहां उन्होंने अनेक वार्डों में पहुंचकर भ्रमण करते हुए पेयजल समस्या का मुआयना किया और प्रभावित लोगों से बात की, पेयजल समस्या जल्द ठीक करने को कहा। आपको बता दें कि अजयगढ़ में पेयजल समस्या महीनों पहले से है और पेयजल परिवहन की व्यवस्था पहले ही शुरू हो जाना चाहिए थी, लेकिन नगर परिषद की ओर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह समस्या अत्यधिक बढ़ गई। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद आम आदमी के गले तक पानी पहुंचता है या नगर की जनता पानी के लिए यूं ही भटकती रहेगी। आज के निरीक्षण में अपर कलेक्टर ओपी ओहरी के साथ तहसीलदार राजेंद्र मिश्रा, नगर परिषद अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा, सब इंजीनियर आर के बागी, ब्रजेंद्र तिवारी, पार्षद हीरा लाल गुप्ता, सदर पटवारी पीयूष शुक्ला, जिला मीडिया मोहम्मद आजाद पत्रकार, अनिल गुप्ता पत्रकार मौके में मौजूद रहे। अजयगढ़ से मोहम्मद आजाद की रिपोर्ट SCN न्यूज़।